अभी दौर चल रहा है आयुष्मान खुराना का और चारों तरफ वो छाए हुए हैं। जब से उनका ट्रेलर रिलीज हुआ है लोगों में उत्सुकता और बढ़ गई है इस मूवी को लेकर के शुभ मंगल ज्यादा सावधान के लिए। और शुभ मंगल सावधान भी इसी तरह का मूवी था जिसमें सेक्स से रिलेटेड काफी समस्याओं को उजागर किया गया था और बहुत इजीली लोगों के सामने लाया गया था। और इस मूवी में भी कुछ इसी तरह का किया गया है लेकिन बहुत कुछ चेंज है जिसको कि सामान्य लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, सामान्य लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेस्बियन की कहानी है ये, जिसमें कि हम लोगों के अंदर प्रेम या सेक्स जब भी दिमाग में आता है तो ऐसा ख्याल आता है कि एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए, लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसा नहीं है। इस मूवी में एक लड़के को ही एक लड़के से प्रेम हो जाता है और यही कहानी है, दूसरे से प्यार हो जाता है जो कि दोनों ही लड़के हैं। और इसे हमारा समाज और पेरेंट्स कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। समाज के नाम पे या भगवान के नाम पे हमारे समाज में जितना भी दकियानुसी बातें होती रहती है वो सारे हमारे समाज में ही होता है और वही इस ट्रेलर में दिखाया गया है। और ट्रेलर काफ़ी धमाकेदार है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए दर्शकों को मूवी का काफी इंतजार भी है। और मूवी और देखना यह है कि बॉक्स पर मूवी क्या रंग लाएगी। और जितेंद्र कुमार, आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता और गजराज राव इस मूवी में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। और गजराज राव और नीना गुप्ता, जैसा कि इसके पहले भी मूवी में वो लोग पेरेंट्स बन चुके हैं, इस मूवी में भी वो लोग माँ बाप का किरदार निभा रहे हैं। इस मूवी का मुद्दा है गे मैटर। और इस मूवी में आप लोग सोच रहे होंगे कि हीरो हीरोइनों वाला मूवी है या लड़का लड़की वैसा मूवी है, तो आप लोग देखने ना जाए क्योंकि इस टाइप का ये मूवी नहीं है। ये मूवी दो लड़कों की कहानी है और इस मूवी में कोई भी नायिका नहीं है। मूवी पारंपरिक लेकिन हास्यास्पद है। नाम पे या भगवान के नाम पे जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं सब हमारे भारत में ही उपलब्ध है और उसी को दूर करने के लिए आ रहे हैं आयुष्मान खुराना और उनका नया मूवी, जैसा कि आप लोग पोस्टर देख के भी समझ गए होंगे। शुभ मंगल ज्यादा सावधान की बात मैं कर रही हूँ और इस मूवी का मैटर है होमोफोबिया कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा। फिर भी चलो पेरेंट्स अपने बच्चे की खुशी के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद समाज कैसे माने और समाज से वो किस तरह से लड़ाई करे, यही इस कहानी का मेन मुद्दा है। और लोग इस मैटर को मानने के लिए तैयार भी नहीं होंगे, जैसा कि हम लोग नॉर्मल लोग हैं और हम लोगों का जो समाज है वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। एक लड़के को एक लड़की से प्रेम, माँ बाप मान भी जाए बच्चों की खुशी के लिए तो समाज नहीं मानेगा। और ये दकियानुसी जो कहानी वगैरह है ये भगवान के नाम पे कि भगवान बनाया हुआ है एक लड़का और एक लड़की का। मूवी का जो ट्रेलर है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं आपसे और हमसे मिलता जुलता है। जो जैसा कि उनका आयुष्मान खुराना का हर मूवी ही ऐसे ही होता है, उनका सारा मूवी हाई बजट का नहीं होता है, उनका सभी मूवी काफी लो बजट का होता है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होता है, लोगों को लुभाने वाला होता है। कम बजट में वो लोगों के दिलों तक और नाक नक्शा अच्छा नहीं होते हुए भी वो उनके से वो लोगों के मन तक पहुंचने में काफी सक्सेस हो। इस मूवी में जीत किसकी होगी ये किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ ये लोगों की जो दकियानुसी सोच है उसको जरूर चेंज कर। देखना ये है कि नेशनल अवार्ड विनर आयुष्मान खुराना लोगों की सोच को चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, यही हमें देखना है और इंतजार भी इसी का है। और ये देखने के लिए आप लोगों को जाना है सिनेमा हॉल तक और तब तक इंतजार करना है 21 फरवरी तक। आप देखना ये है कि पेरेंट्स के लिए बच्चे ज्यादा जरूरी है या समाज जो होमोफोबिया के नाम पर ताना मार मार के जीना दुश्वार कर देते हैं। और आज का ब्लॉग मेरा हुआ यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।